नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। रोज़ ही आप एक ही टाइप का नाश्ता करके अगर आप बोर हो गए हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम बनाएंगे कुछ अलग, जो बनाने में है आसान, खाने में है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और दिखने में भी लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दो तरह की स्टफिंग बनाएंगे, एक पनीर के साथ और एक अंडे के साथ। आपको जो पसंद हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़े से पनीर को ऐसे काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। थोड़ा सा प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, टमाटर और हरी मिर्च, और यहाँ पे थोड़े से उबले हुए आलू को मैंने ऐसे काट लिया है छोटे छोटे। थोड़ा सा प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरी मिर्च और अंडा। ये आटे का मैंने डो बना के रखा है, आप आटा या मैदा कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टफिंग को बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन को गरम कर लिया है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गरम हो जाने देंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाता है हम उसमें डालेंगे हमारे कटे हुए प्याज। प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज का कलर जो है थोड़ा चेंज होने लगा है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च, साथ ही हम अभी इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें और इसे कवर करके हम अभी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट बाद मैं यहाँ पे कवर हटा रही हूँ। तो ये हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें हमारे कटे हुए पनीर को डालेंगे। तो यहाँ पर पनीर डाल दिया है मैंने, अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। पनीर बहुत ही ज़्यादा जल्दी पक जाता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको फिर से दोबारा कवर कर दिया है और 1 मिनट बाद हम इसको फिर से चेक कर लेंगे। तो ये हमारा पहला वाला स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। दूसरे वाले स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाला है। पैन ऑलरेडी गर्म है हमारा, तो तेल गर्म होने के साथ ही हम उसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। फिर से प्याज को हम पहले थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो उबले हुए आलू थे उसको, और साथ ही में कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पे अभी हम मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा नमक मैंने डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर और सेम चाट मसाला पाउडर। अब दोबारा इनको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आलू हमारा पका हुआ है, बस हमें थोड़ा मसालों को पकाना है, इसलिए इसको कवर करके हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 1 मिनट बाद आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अभी इन सब चीज़ों को हम एक साइड कर लेंगे और एक खाली जगह बना लेंगे जहाँ पे हम अभी हमारे अंडे को फोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे एक ही अंडे का यूज़ किया है, आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 2 या 3 आपके पसंद से कर सकते हो। तो अंडे को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। 30 या 40 सेकंड के बाद अंडे को इस तरह से मिक्स कर ले। अंडा बहुत ही जल्दी पक जाता है तो हम उसको ऐसे ही मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छे से मिला दिया है, आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छे से मिल चुका है। तो ये वाली स्टफिंग हमारी रेडी है, इसको भी हम निकाल लेंगे एक बर्तन में।
जो आटे का मैंने डो बना के रखा था इसको हम अभी छोटे छोटे टुकड़ों में रख लेंगे और छोटे छोटे पूरियों की तरह बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको एक छोटे से पूरी के साथ में बेल लिया है। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए इसको इस ऐसे हम साइड से फोल्ड करेंगे और उसके बाद बीच में से एक और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे तीनों साइड से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, इसे उल्टा कर दे और बीच वाली जगह पर हम अपने स्टफिंग को रखेंगे। तो अभी इन तीनों किनारों को एक साथ जोड़ दे और इसको उंगली से प्रेस करते हुए बंद कर दे। तो देखा आपने ये बनाना कितना आसान है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर है। ऐसे करके मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे हम अभी दूसरी वाली स्टफिंग को रखेंगे। ये एक दूसरे स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। ये छोटी सी पूरी को मैंने यहाँ पे दो हिस्सों में काट लिया है और अभी स्टफिंग को हम एक कोने में रखेंगे और इसको ऐसे लाकर इसमें जोड़ देंगे और इसको सील कर देंगे। अब दो किनारों को ऐसे जोड़ दे तो आप देख रहे हैं ये कितना सुंदर दिख रहा है, ये एक फ्लावर जैसा बन गया है। अब हम इसको फ्राई इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ी देर इसको फ्राई होने दे, उसके बाद इसे पलट दे। ये हमारा पहला बैच बनके रेडी है। इसी तरह हम बचे हुए बाकी पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये गर्मा गर्म खाइए, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।